हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त विप्लव। आप देख रहे हैं अभी विप्लव टेक्नोलॉजी चैनल। देखिए आज का वीडियो, जो भी व्हाट्सअप लवर है, सभी व्हाट्सअप लवर के लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आज व्हाट्सअप के बहुत ही खतरनाक टॉप 5 सीक्रेट ट्रिक्स लेके आ चुका हूँ। ये जो सभी ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। और अंत तक देखने के बाद आपको थोड़ी सी यूजफुल और एनर्जेटिक लगे तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना, क्योंकि देखिए आप लोग एक लाइक करने से हम सभी यूट्यूबर को बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलते हैं आप लोग के लिए बहुत जल्दी इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए। इसलिए आप लोग सभी यूट्यूबर के वीडियो को लाइक करते रहना। और आप लोग मेरा चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटा वाला आइकन है उसको भी दबा देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग सबसे पहले मेरा वीडियो को देख सकते हो। और आप चाहे तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं अभी इंस्टाग्राम आईडी पे भी एक्टिव रहता हूँ। चलिए आज का इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो व्यूअर्स, ये देखिए अभी मैं आ चुका हूँ मेरा मोबाइल का होम स्क्रीन पे, और अभी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप की बहुत ही खतरनाक सेटिंग दिखाने वाली हूँ। इस लिस्ट में जो पहला सेटिंग है, देखिए जब भी हम लोग व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद, जब भी हम कोई भी ग्रुप में हम लोग पोस्ट सेंड करते हैं ना, पोस्ट को सेंड करने के बाद हम लोग पता नहीं कर सकते हम लोग का पोस्ट को कितना लोगों ने रीड किया है। वो कैसे आप लोग पता कर सकते वो आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसलिए सबसे पहले मैं मेरा व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ, आप लोग भी आप लोग का व्हाट्सएप को ओपन कर लीजिए। और व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद पहले मेरा ग्रुप को ओपन कर लेता हूँ, और ग्रुप को ओपन करने के बाद आप लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोग उसी पोस्ट को प्रेस करके होल्ड करके रख, जैसे कि मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, इसको प्रेस करके होल्ड करके रख दीजिए। और होल्ड करने के बाद दिखे ऊपर आपको एक आई बटन देखने को मिल जाएगा, सिंपली से इस आई बटन को प्रेस कर दीजिए। और आई बटन को प्रेस करने के बाद देखिए आपका सामने आ जाएगा आपका पोस्ट को कितना लोगों ने रीड किया, नहीं तो कौन कौन रीड किया, इसी से आप लोग चेक कर सकते हो। ये वाला सेटिंग आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वाला सेटिंग भी लेके आ चुका हूँ। और इस लिस्ट में जो सेकंड नंबर सेटिंग है वो है स्टेटस को लेके। ठीक है, जब भी हम लोग किसी की स्टेटस को रीड करते हैं तो सामने वाले बंदों को पता लगता है कि हम लोग उनका स्टेटस को रीड किए हैं। लेकिन कैसे आप लोग सामने वाले बंदों को बिना पता करे आप लोग उनका स्टेटस को देख सकते हो, वो इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे ऊपर देखे आपको 3 डॉट देखने को मिल जाएगा, सिंपली से 3 डॉट को प्रेस कर दीजिए। और इस 3 डॉट को प्रेस करने के बाद देखिए आपका सामने आ जाएगा सेटिंग्स, इस सेटिंग्स को प्रेस कर दीजिए। और सेटिंग्स को प्रेस करने के बाद देखिए आपका सामने आ जाएगा अकाउंट, सिंपली से इस अकाउंट को प्रेस कर दीजिए। और अकाउंट को प्रेस करने के बाद देखिए आपका सामने आ जाएगा प्राइवेसी, इस प्राइवेसी को क्लिक कर दीजिए। और प्राइवेसी को क्लिक करने के बाद देखिए नीचे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, देखिए नीचे आप लोग को देखने को मिल जाएगा रीड रिसीप्ट, वो अभी ऑन है, इसका आपको टिक करके ऑफ कर दीजिए। और ऑफ करने के बाद देखिए आपका सामने जो कोई भी स्टेटस है ना उसको रीड कर दीजिए। और रीड करने के बाद देखिए सामने वाले बंदे को कभी भी पता नहीं लगेगा आपने उनका स्टेटस को रीड किया है। ये वाला सेटिंग भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को ये वाला सेटिंग भी लेके आ चुका हूँ। और इस लिस्ट में तो 3rd वाला सेटिंग है, वो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत टाइम क्या होता है हम लोग को व्हाट्सएप में हम लोग को बहुत सारा पिक्चर शेयर करते हैं, और इससे क्या होता है हम लोगों का स्टोरेज फुल हो जाते हैं। इससे कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इसलिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर आपको 3 डॉट को प्रेस कर दीजिए। और 3 डॉट को प्रेस करने के नीचे देखने को मिल जाएगा सेटिंग्स, इसको प्रेस कर दीजिए। और नीचे आप लोग को देखने को मिल जाएगा स्टोरेज एंड डाटा, इसको प्रेस कर दीजिए। और इसको प्रेस करने के बाद देखिए नीचे आप लोग को देखने को मिल जाएगा मीडिया ऑटो डाउनलोड, ठीक है, इसको सिंपली से प्रेस करके इसको टिक करके ऑफ कर दीजिए, ओके कर दीजिए, सभी को आपको ऑफ कर दीजिए। ठीक है, इसको टिक करके ऑफ करके ओके कर दीजिए, इसको भी टिक करके ऑफ कर दीजिए। ठीक है, सभी को रिमूव करके ओके कर दीजिए। अभी क्या होगा, आपको व्हाट्सएप में कोई भी पिक्चर सेंड करने के बाद वो आपका सामने ऐसा देखने में आएगा। देखिए इससे क्या होगा, आपको इसका डाउनलोड करना पड़ेगा, इससे क्या होगा आपका फोन स्टोरेज फुल का जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। और इस लिस्ट में जो 4th वाला सेटिंग है वो भी आपको स्टेटस को लेके। ठीक है, बहुत टाइम क्या होता है हम लोग स्टेटस तो ऐड करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं चाहते बहुत सारे बंद हम लोग को स्टेटस को नहीं देख पाए, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको स्टेटस को प्रेस कर दीजिए। और स्टेटस को प्रेस करने के बाद ऊपर आपको 3 डॉट देखने को मिल जाएगा, सिंपली 3 डॉट को प्रेस कर दीजिए। और इस 3 डॉट को प्रेस करने के बाद देखिए आपका सामने आ जाएगा स्टेटस प्राइवेसी, सिंपली से स्टेटस प्राइवेसी को प्रेस कर दीजिए। और इसको प्रेस करने के बाद देखिए नीचे आप लोग को देखने को मिल जाएगा ओनली शेयर विथ, इसको प्रेस कर दीजिए।
और इसको प्रेस करने की होगा आपका मोबाइल पर जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर है सभी आपका सामने आ जाएगा। इसमें आपको जो भी पसंद है ना उसको सिंपली से टिक कर दीजिए, मैं इसको टिक कर देता हूँ, जो नंबर पसंद है उसको टिक कर दीजिए। और टिक करने के बाद देखिए नीचे आप लोग को देखने को मिल जाएगा राइट टिक, इसको टिक करने के बाद क्या होगा वो नंबर इसमें ऐड हो जाएगा। और ऐसे करने से क्या होगा सिर्फ इन्हीं लोग आपका स्टेटस को देख पाएगा। ए बी सीटिंग आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी था इसलिए मैं ए बी सीटिंग आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। इस लिस्ट में जो लास्ट सेटिंग है वो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ठीक है। बहुत टाइम क्या होता है हम लोग का व्हाट्सएप बहुत सारा पिक्चर नहीं तो बहुत सारा पोस्ट हम लोग अच्छा लग जाते हैं, हम लोग क्या करना चाहते हैं उस पोस्ट को हम लोग सेव करके रखना चाहते हैं हम लोग का व्हाट्सएप में उसको बाद में देखने के लिए। वो कैसे करना वो अभी आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे आपको जो आपको अच्छा लगे ना उसको सिंपली से प्रेस करके रख दीजिए और प्रेस करके रखने के बाद ऊपर देखिए आपको स्टार वाला आइकॉन देखने को मिल जाएगा, इसको सिंपली से प्रेस कर दीजिए ठीक है। उसको मैं आपको सिंपली से इसको भी प्रेस करके रखने के बाद स्टार को प्रेस कर देता हूँ। आप लोग जो अच्छा लगे ना उसको सिंपली से प्रेस करने के बाद स्टार को प्रेस कर दीजिए, वो क्या होगा आपका सेव हो जाएगा, उसको आपको बाद में देख सकते हो। वो कैसे देखना है इसलिए आपको सिंपली थ्री डॉट को प्रेस कर दीजिए और देखिए नीचे आप लोग को देखने को मिल जाएगा स्टार्ट मैसेज, इसको प्रेस कर दीजिए। इसको प्रेस करने के बाद सभी आपका सामने आ जाएगा। इसी तरह से आप लोग क्या कर सकते हो जो आपको अच्छा लगेगा उसको आपको सिंपली से सेव करके रख सकते हो बाद में देखने के लिए। इसमें से कौन सा सेटिंग आप लोग का सबसे बढ़िया लगा आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करना मत भूलना। ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटा वाला आइकन है उसको भी दबा देना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज हमेशा लाता रहता हूँ। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।